अभी हम बात करते हैं टेल बोन के लिए। टेल बोन पेन मतलब जहां पर हम कमर में नीचे की रीढ़ की हड्डी है, जहां जिसको हम टेल बोन बोलते हैं, वहां पर दर्द होता है। तो जब हम ज्यादा देर बैठते हैं या कहीं हार्ड सरफेस पर जो लोग बैठते हैं उसको वहां पे दर्द शुरू हो जाता है। तो ये टेल बोन के दर्द के लिए क्या करना चाहिए? सबसे बढ़िया तरीका है, अगर टेल बोन का पेन शुरू होता है तो आपको सॉफ्ट सिटिंग पर बैठना है, या कोई रिंग जैसी सरफेस है या कोई आर्टिफिशियल रिंग, ऐसे भी मिलते हैं, कुशंस भी मिलते हैं, उसके ऊपर बैठना चाहिए। पेन किलर दवाइयां लेनी चाहिए, अगर फैसिलिटी है तो गर्म पानी के टब के अंदर बैठना चाहिए। दिन में अगर 2-3 बार गर्म पानी के टब के अंदर बैठते हैं, पूरा दिन अगर रिंग के ऊपर बैठते हैं और ये अपने पेन किलर मेडिसिन लेते रहते हैं तो वहां की सूजन कम होती है, तो टेल बोन पेन यूजुअली इन 1-2 वीक्स या 3-4 वीक्स में धीरे धीरे कम होकर बंद हो जाता है। अगर टेल बोन पेन नहीं जाता है उसके, तो टेल बोन के आजू बाजू कभी हम स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लगाते हैं तो उसकी वजह से वहां का सूजन कम होती है और दर्द बंद हो जाता है। अगर स्टीरॉइड इंजेक्शन से भी वो दर्द नहीं जा रहा है तो टेल बोन के आजू बाजू हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन करते हैं, उसकी वजह से वहां के नसों का थोड़ा सूजन कम होता है, वहां का दबाव कम होता है और बोन के आजू बाजू के भी सूजन कम हो जाते हैं, इसलिए वो दर्द बंद हो जाता है।